Welcome to the another video of biology practice question series. And in this part, मैं discuss करने वाला हूँ again 30 important questions which are going to be very helpful in your preparation for the BSc nursing and paramedical entrance exams. और चलिए इसमें भी कुछ 30 questions discuss कर लेते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा important भी हैं, बहुत help करेंगे आपके preparation में. And if you're new to my channel, then don't forget to subscribe and also press the bell icon ताकि ऐसी ही informative and important lectures के साथ साथ informative information भी आपको time to time future में मिलती रहे. And one thing more, if you yet not joined my Telegram group, then go and join it now, because at there you will get more stuff for your preparation जो आपकी बहुत ज़्यादा help करेगा preparation में. So without wasting time, let's begin this lecture. क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर टिनी ग्रैनुअल्स फर्स्ट स्टडीड इन 1955 बाय. राइबोसोम्स जो होते हैं, जैसे एज यू नो कि जो टिनी ग्रैनुअल्स होते हैं, ये फर्स्ट किसने स्टडी किया था 1955 में. सो राइबोसोम्स आर फर्स्ट स्टडीड बाय डी ड्यूब ने ये फर्स्ट स्टडी किया था राइबोसोम्स, जो कि एक टिनी ग्रैनुअल्स होते हैं. नेक्स्ट है, वायरस कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स. वायरस कितने पार्ट्स का होता है? वायरस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नॉट वन, थ्री एंड फोर. सो वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा. क्वेश्चन है 133, जो इट मीन्स थर्ड क्वेश्चन है कि आई कैन ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स टू सिसिनेट. कौन सा इसमें से है जो फैटी एसिड को सिसिनेट में कन्वर्ट कर देता है? एंड दैट इज ग्लाइकोऑक्सीजोम जो होता है, इट कैन ब्रेक डाउन फैटी एसिड टू सिसिनेट. सो ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट है, माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू. माइटोसिस को कौन से टू पार्ट्स में, मतलब कौन से टू पार्ट्स में माइटोसिस कंप्लीट होती है प्रोसेस? एज यू नो कि ये जो है, ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से ये पार्ट इंक्लूडेड है. सो इसमें जो हो जाएगा वो जाएगा कैरियोसिस एंड साइटोकाइनेसिस जो होते हैं, ये टू प्रोसेस होते हैं माइटोसिस के अंदर. सो ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट हो जाएंगे, क्योंकि कैरियोसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होती है. क्योंकि कैरियोकोसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. तो इसलिए ये दोनों प्रोसेस क्या है, माइटोसिस के ही पार्ट है. सो माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू बोथ ए एंड बी. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट है, राइबोसोम्स एंड डीएनए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन. राइबोसोम्स एंड डीएनए प्रेजेंट और किस में, इन मतलब इनमें से और किस में प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर लाइसोसोम्स. तो राइबोसोम्स एंड डीएनए आर आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स एंड डीएनए होता है. सो ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, दैट इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग इन लिक्विड मटेरियल इन टू द सेल्स इज नोन एज. लिक्विड मटेरियल जब सेल के अंदर चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखिए, ये समझिए आप अमीबा से. अमीबा जो होता है, जब वो फूड मटेरियल को अंदर लेता है, तब उस प्रोसेस को कहते हैं हम फैगोसाइटोसिस. जब अमीबा लिक्विड मटेरियल लेता है अंदर, इट मींस अपने सेल में जब लिक्विड मटेरियल वो लेता है, तब उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस. एंड जब वो इन सब चीज़ों का एक्सक्रीशन करता है, तब उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, मतलब कि सेल से आउट होना. तो ये जो प्रोसेस है, ये तीन प्रोसेस है. लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सेल में जब लिक्विड मटेरियल जाता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दैट इज पिनोसाइटोसिस. सो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है, अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम इज मेड ऑफ आर्म्स एंड. जब हम एक क्रोमोसोम को एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो वो आर्म्स का जो बना होता है, आर्म्स का होता है बना, और क्या उसमें होता है, और उसमें होता है सेंट्रोमेयर. सेंट्रोमेयर इट मीन्स बीच में जो होता है, आई स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देता हूँ, दैट इज़ ये जो हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आर्म, एंड जो मिडिल में होता है, दैट इज सेंट्रोमेयर. नेक्स्ट है, द मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स के कौन से मेन टाइप्स होते हैं? मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट या फिर तीनों. तो मेन पार्ट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैं इनमें से, दैट इज क्रोमोप्लास्ट. बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट है, फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ.
इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ये इनमें से किस किस प्रोसेस का, मतलब किस स्ट्रक्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे प्लांट सेल वॉल में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, या फिर बैक्टीरियल सेल वॉल में, या सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया में, या फिर फ्लूड मोसाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन डी इसलिए राइट है, फ्लूड मोसाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, फ्लूड मोसाइक जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अटैच्ड होता है सेल सेल मेम्ब्रेन से। क्या क्या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, जस्ट लाइक प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये सब क्या है, सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। जब कौन सी प्रोसेस होती है जो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर में रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब लीवर के इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का क्या मतलब होता है, जो कि किसी इंजरी या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑर्गन में, क्या हो जाता है, रेड हो जाता है ऑर्गन, स्वॉलो हो जाता है ऑर्गन, इस पर। तो ये इनमें से कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसमें, तो दैट इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, दैट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है पॉलीजोम इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस। पॉलीजोम कौन सी प्रोसेस में फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। जो डीएनए ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होती है वो, उसमें क्या होता है, पॉलीजोम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इन 1831 द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल्स आर वॉज रिपोर्टेड बाय। फर्स्ट टाइम सेल वॉल को, मतलब न्यूक्लियस में किसने बताया था कि सेल वॉल में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है सेल में, सॉरी सेल में न्यूक्लियस किसने रिपोर्ट किया था, तो इट इज़ रिपोर्टेड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। जैसे कि आपको पता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, सो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन एवरेज देयर आर ब्लैंक और मोर देन थैलाकॉइड पर ग्रैनम। मतलब कि एक ग्रैनम में लगभग कितने थैलाकॉइड होते हैं, ग्रैनम कहाँ पर होता है, थैलाकॉइड कहाँ पर होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो कितने थैलाकॉइड होते हैं पर ग्रैनम, पर ग्रैनम लगभग अप्रॉक्स एवरेज मान के चले तो देयर आर 50 थैलाकॉइड प्रेजेंट पर ग्रैनम। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 143 क्वेश्चन मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है और साथ ही साथ उसमें क्या है, मिस प्रिंटिंग भी है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 145 दैट इज अनसेपरेटेड रेप्लिका ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड, अनसेपरेटेड रेप्लिका ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड क्रोमैटिड। मतलब इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो इस क्वेश्चन का मतलब है अनसेपरेटेड रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम से ये मतलब है कि जब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होता है, इट मींस क्रोमैटिड। इसका आंसर क्रोमैटिड इसलिए हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज़ कि जो अनसेपरेटेड क्रोमोसोम का मतलब है, जो ऐसे ऐसे करके आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ये जब स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर जब मिल जाता है अनसेपरेटेड, मतलब अनसेपरेटेड जब सेपरेटेड हो जाता है, तब ये ऐसे करके स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज क्रोमोसोम। सो उससे पहले जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, क्रोमैटिड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं अनसेपरेटेड रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, तो इट इज कॉल्ड क्रोमैटिड एंड ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ बायोजेनेसिस मीन्स दैट, बायोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, बायोजेनेसिस को हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को हम एक और नाम से जानते हैं, ए बायोजेनेसिस। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्यूमर्स विच आर ऑफ स्मॉल साइज आर लोकलाइज्ड आर एंड लोकलाइज्ड आर। सो जो क्या होते हैं, वो ट्यूमर्स जो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं एंड लोकलाइज्ड भी होते हैं साथ ही साथ। सो वो क्या होते हैं, आर बैनिंग, उन्हें हम क्या कहते हैं, बैनिंग ट्यूमर्स। सो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है PCR स्टैंड फॉर, PCR का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन द इननेट टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड। मतलब कि वो टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड, मतलब ये है कि जो ऑफस्प्रिंग में रिजेंबल करते हैं कैरेक्टर्स पेरेंट्स के, हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ हेरिडिटी। और ये आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर यूनिट है जो आपकी उसी से
ये पार्ट इंक्लूड है दैट इननेट टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स कैरेक्टर्स, यहाँ पर मतलब एक तरह से कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उनसे, इज कॉल्ड हेरिडिटी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ऑप्शन है उससे आप ऐसे ही पता कर सकते हैं, साफ साफ रॉन्ग दिख रहा है दैट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है हेरिडिक्स एंड वेरिएशन कोई वर्ड नहीं होता है नन, तो इट्स नॉट एन ऑप्शन। सो ए ऑप्शन ऑलरेडी आपका राइट हो जाएगा, बट समझ भी लीजिए कि हेरिडिटी क्यों राइट है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जब कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में रिजेंबल करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, दैट इज डिस्कवर्ड बाय पैलेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर डिफरेंशिएट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा इनमें से ऑप्शन में कैरेक्टर है जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंट करता है, लिविंग से नॉन लिविंग का डिफरेंशिएशन इस बेस पर हो सकता है। सो इट कैन बी, ये बेस पर हो सकता है, ये जो ऑप्शन है आपका, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज एंड कॉम्प्लेक्स मेड, ऑब्वियसली लिविंग को नॉन लिविंग को इस बेस पर डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स, एक से ज़्यादा सेल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, नॉन लिविंग में ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। एंड आई थिंक मुझे याद है जितना कि प्रीवियस लेक्चर में इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, दैट इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेटोलॉजी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए केमिकल सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एंजाइम बट इट नॉट ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट एंड थस ब्लॉकिंग एक्टिव साइट इज कॉल्ड, मतलब कि वो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है एंजाइम से बट लेकिन वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म नहीं होता है इनटू द प्रोडक्ट में, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है प्रोडक्ट में एंड थस ब्लॉकिंग एक्टिव साइट, एक एक्टिव साइट मतलब ब्लॉकेज एक्टिव साइट फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम कहते हैं इनहिबिटर हो जाता है। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये देख लेते हैं कि द एक्सपेरिमेंट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल इन क्रोमोसोम्स फॉर नोइंग द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीज आर कंडक्टेड बाय, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो एक्सपेरिमेंट जिससे हम पता कर सके क्रोमोसोम की मतलब डीएनए मॉलिक्यूल में दैट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, कि ये हम जान सके कि किस बेसिस पर किस पर कैसे डिजीज़ का इनहेरिट हुआ है, डिजीज़ क्रोमोसोम में कैसे सेल में मतलब कि डिजीज़ इनहेरिट हुआ है डीएनए में, तो ये हम किस एक्सपेरिमेंट से जान सकते हैं, तो ये हम जान सकते हैं बाय द एक्सपेरिमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल्स में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर होता है, दैट इज़ 85%, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये एक याद करने वाली चीज़ है, आपको पता भी होना चाहिए। फिर है द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर थ्रू एन आयनिक और क्रोमेटिक, मतलब कि अलग अलग एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड बनाए या फिर कोवेलेंट बनाए, और जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड स्टेबल जो कि होता है कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं एक दूसरे से या फिर आयनिक बॉन्ड से या कोवेलेंट बॉन्ड से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मतलब जो फॉर्मेशन जो बनता है उसे हम कहते हैं स्टेबल जो कि होता है, इट इज़ कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑर्गन टिश्यू ये तो कुछ कहते भी नहीं है, ये मॉलिक्यूल आराम से एक सिंपल और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट, अलग अलग स्पीसीज की प्लांट एंड एनिमल जब एक हैबिटेट में एक जगह पर रहने लगे, एक प्लेस पर रहने लगे, एक ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर रहने लगे, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय, एनिमल में कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव होता है बाय मीन्स ऑफ मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से नहीं होता है, नर्वस सिस्टम से और इंडोक्रेन सिस्टम से, ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर राइट ऑप्शन। सो इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय द मींस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्रेन सिस्टम। नेक्स्ट है ब्लैंक इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज,
ये इनमें से कौन सा है जो बहुत एक पोटेंशियल सोर्स है केमिकल एनर्जी के लिए सेल की एक्टिविटीज़ के लिए, दैट इज़ CH बॉन्ड। जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है इट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर द सेलुलर सेल की एक्टिविटीज़ के लिए, ये एक पोटेंशियल सोर्स की तरह वर्क करता है। सो CH बॉन्ड ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्यूनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग लिविंग इन एनी इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, मतलब कि बायोलॉजी की ब्रो ब्रांच को हम क्या कहते हैं जो डील करती है किससे, सोशल बिहेवियर की स्टडी या फिर कम्यूनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स लिविंग इन एनी किसी भी इन्वायरमेंट में हो चाहे, तो इस बायोलॉजी की ब्रांच को हम क्या कहते हैं, और इस बायोलॉजी की ब्रांच को हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। आप क्वेश्चन से एंड आंसर से ही आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन में आपको अगर पढ़ा भी ना हो तो भी आप क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर नॉर्मली लगा सकते हैं कि सोशल आया है क्वेश्चन में तो सोशल बायोलॉजी ही होगा। एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सो ये आपके 30 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं, एवरेज में 30 क्वेश्चन ही थे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें अगेन मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा 30 क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए प्रिपरेशन करने में, और ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में ही मिलती रहे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, नॉट ओनली जो प्रिपेयर कर रहे हैं पैरामेडिकल नर्सिंग की नहीं, किसी भी स्टूडेंट के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो साइंस ग्रुप का स्टूडेंट है एंड किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके लिए भी होंगे। तो शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस न्यूली मेड चैनल, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी लगातार लाता रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट को पूछें, अपने डाउट को क्लियर करें। नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो, आई विल कम बैक विद अ न्यू पार्ट सून।